तो फ्रेंड्स ये है VXI मॉडल ब्रेजा का, न्यू ब्रेजा 2022 का VXI मॉडल। पहले हमने टॉप मॉडल का रिव्यू करा था, अब मैं VXI मॉडल बता रहा हूँ जो कि 11,25,000 रुपए ऑन रोड जयपुर की प्राइस है। यहाँ पर इसमें और LXI में क्या फर्क है ये चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये VXI मॉडल है, देखिए सामने ग्रिल्स देखिए किस तरह से, इसका लोगो देख लीजिए किस तरह से लग रहा है, और ये बिल्कुल न्यू गाड़ी है, बिल्कुल आपको देखने को मिल रही है। ये फोग लैंप यहाँ पर नहीं आते हैं इसके अंदर, VXI के अंदर क्या क्या चीजें VXI में नहीं आती और क्या क्या चीजें आती है ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। इसकी देखिए हेडलाइट देख लीजिए बहुत ही ब्यूटीफुल है, यहाँ पर जो है व्हील कैप आते हैं VXI में, LXI में व्हील कैप नहीं आते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, मैं डिटेल से आपको बताने वाला हूँ, फुल वीडियो होने वाला है। यहाँ पर VXI 11,25,000 रुपए ऑन रोड प्राइस है जयपुर की, और हम नेक्सा के शोरूम में अभी, तो यहाँ पर जो है आपको दिखाने वाला हूँ कि VXI में क्या क्या आता है, LXI में क्या नहीं आता है, सारा रिव्यू करने वाले हैं। तो गाड़ी का ओवरव्यू देख लीजिए एक बार, मैं ओवरव्यू बाहर से दिखा देता हूँ फिर गाड़ी के अंदर चलते हैं बिल्कुल यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लीजिए गाड़ी का कुछ इस तरह का लुक है, यहाँ पर हेडलाइट देख लीजिए, इसके अलावा जो है यहाँ पर VXI में आपको व्हील कैप मिल जाएंगे और LXI में व्हील कैप नहीं आएंगे, ठीक है। इसके अलावा चलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए टर्न इंडिकेटर ORBM के अंदर देखेंगे तो टर्न इंडिकेटर बॉडी कलर भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है कैमरा नहीं आएगा। टॉप मॉडल में कैमरा आता है, VXI में LXI में कैमरा नहीं आता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है ब्लैक टोन के साथ में, यहाँ पर व्हाइट और ब्लैक के अंदर करी गई गाड़ी को यहाँ पर देख लीजिए। इसके अलावा यहाँ पर जो है नॉर्मल हैंडल आता है, यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर टॉप मॉडल में आता है, VXI में नहीं आता है। साइड में क्लीडिंग मिल जाती है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, साइड से अड़ेगी तो आपको बेनिफिट मिलने वाला है कि स्क्रैच नहीं होंगे। इसके अलावा ये वाला जो ब्लैक कलर का ग्लास फिनिशिंग है ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, और बैक वाला नॉर्मल डोर का हैंडल आता है बिल्कुल इस तरह का। बैक टायर और फ्रंट टायर सारे जो है 16 इंच के टायर है, बिल्कुल आपको देखने को मिल रहा है। व्हील कैप आते हैं, अभी व्हील कैप उठा रखे हैं क्योंकि डेमो की गाड़ी है यहाँ पर, ठीक है। बैक साइड से चलते हैं, तो यहाँ पर जो है बैक साइड में देखिए ब्लैक के साथ में, देखिए ब्लैक LED के साथ में आपको जो है बैकलाइट मिलती है, स्मार्ट हाइब्रिड मिलता है। ये सबसे अच्छी बात है कि माइलेज इसीलिए इसका इंक्रीज कर दिया गया है, 20+ का माइलेज है, 20.15 यानी कि 20.15 का माइलेज है, जो कि जबरदस्त है। सिटी के अंदर आराम से 16 आराम से निकाल देगी और हाईवे पर आराम से 17-18 का निकाल सकती है। यहाँ पर बैक फिनिशिंग है, डिफोगर आता है यहाँ पर, वाइपर्स नहीं आते हैं, VXI मॉडल है, टॉप मॉडल में वाइपर आते हैं। यहाँ पर जो है स्पॉइलर के अंदर टेल लाइट देख लीजिए आप यहाँ पर, इसके अलावा जो है शार्फिन एंटीना देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। इसमें रूफ रेल नहीं आते हैं, और इसके अलावा अगर बैक साइड चलेंगे आप तो ब्रेजा की बेजिंग देखिए किस तरह से ब्यूटीफुल तरीके से दे रखी है यहाँ पर, BREZZA बिल्कुल S नाम का लोगो, और बिल्कुल ब्रेजा की बेजिंग इस तरह से दे रखी है। इसके अलावा जो लाइट है और पीछे का बैक लुक है जो देखिए कितना प्यारा लग रहा है, हाइब्रिड के साथ में डिफोगर बैक साइड का ग्लास है बिल्कुल यहाँ पर देख लीजिए आप बिल्कुल। इसके अलावा जो है यहाँ पर अगर रिफ्लेक्टर देख लीजिए और लाइट जो है आपको यहाँ पर मिल जाता है, टर्न इंडिकेटर और लाइट दोनों यहाँ पर मिल जाती है आपको। मौसम बढ़िया हो गया यार, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो है चार सेंसर मिलते हैं आपको, बैक सेंसर चार मिलते हैं, 1, 2, 3 और 4। इसके अंदर कैमरा नहीं है, लेकिन तो टॉप मॉडल में कैमरा यहाँ पर था, तो आप बाहर से इंस्टॉल करवा सकते हैं, उसका भी वीडियो मैं ले आऊँगा कि बाहर से क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल करवा सकते हैं, और इंस्टॉल के साथ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सेम प्रोफाइल है, ये साइड प्रोफाइल है, सेम है, गाड़ी का लुक देख लीजिए। अंदर चलते हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे क्या है अंदर का फिनिशिंग के, और अंदर से क्या क्या इंटीरियर है, VXI में और LXI में क्या क्या फ़र्क है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। गाड़ी का ओवरव्यू मैंने बहुत ही शानदार तरीके से देने की कोशिश करी है, और फिर भी कमी रहती है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं अंदर सीटिंग लेता हूँ और आपको मैं दिखाने वाला हूँ यहाँ पर। तो जैसे अंदर की सीटिंग लेते हैं तो अंदर का जो है व्यू कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है। डोर पे ही कंट्रोल मिल जाते हैं, ऑटो मिल जाता है यहाँ पर। इसके अलावा जो आपको यहाँ पर लॉक अनलॉक चाइल्ड लॉक मिल जाता है, और यहाँ पर जो ORBM को लेफ्ट राइट आप कंट्रोल कर सकते हैं, यहीं से लॉक अनलॉक मिल जाता है। ब्लैक फिनिशिंग के साथ में मिलता है, सिल्वर का थोड़ा टच मिल जाएगा आपको यहाँ पर, और ब्लैक फिनिशिंग है बिल्कुल, अच्छे से देख लो आप यहाँ पर। इसके अलावा जो है आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर डिस्प्ले, ये सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से दिखाने वाला हूँ बिल्कुल। और ये सीट है देख लीजिए, सीट किस तरह का है, सीट का फैब्रिक देख लीजिए आप बिल्कुल बिल्कुल कंफर्टेबल है। एड्रेस मिल जाते हैं VXI में चारों, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, अंदर बैठ के सीटिंग लेते हैं एक बार और फिर अच्छे से बात करते हैं अपन यहाँ पर। सीटिंग ले ली है यहाँ पर, अब मैं बताता हूँ यहाँ पर MID का। देखिए MID कुछ इस तरह की आएगी, नॉर्मल MID है यहाँ पर, जो ब्लैक एंड व्हाइट तरह की है। LXI में भी यही मिलेगी, VXI में भी यही मिलेगी। टॉप मॉडल में यहाँ पर जो है डिस्प्ले वाली आ जाती है, TFT वाली, जिसमें बहुत ही कलरफुल आती है, अलग अलग मतलब डोर गाड़ी का कलर सब कुछ दिखाने वाला है। MID कुछ है, सारे सेंसर्स और सारी एक्टिविटीज यहाँ पर दिखने को मिल रही है। क्लस्टर भी देख लीजिए, MID भी देख लीजिए किस तरह का है। और स्टेयरिंग जो है VXI में कुछ इस तरह की मल्टीमीडिया से लैस है, यहाँ पर मोड चेंज कर सकते हो, कोल एंड स्टॉप कर सकते हो, इस तरह का देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो है 3 ही बटन है, ट्रैक्शन ऑफ का मिल जाता है, ऑटो ऑफ का मिल जाता है, और यहाँ पर जो है हेडलाइट को सेट करने का मिल जाता है। यहाँ पर HUD का नहीं मिलता है और 360 डिग्री कैमरे का नहीं मिलता है, वो टॉप मॉडल में मिलेगा आपको, जो दो फंक्शन काम करते हैं यहाँ से। HUD नाम की एक डिस्प्ले भी निकलती है यहाँ पर। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर स्पीकर, कंपनी फिटेड VXI में आपको मिल जाएंगे, ट्यूटर मिल जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद में स्पीकर मिल जाएंगे, सारा म्यूजिक सिस्टम VXI में मिल जाता है, और कुछ इस तरह की डिस्प्ले मिल जाती है। टॉप मॉडल में ये डिस्प्ले चेंज हो जाती है, बड़ी डिस्प्ले मिलती है बढ़िया शानदार तरीके से। यहाँ पर ऑटो क्लाइमेट वाला AC मिल जाता है बिल्कुल, यहाँ पर जो है USB पोर्ट मिल जाता है, सिगरेट पोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा जो है गियर नॉब कुछ इस तरह का है, और यहाँ पर जो है आपको आर्म रेस्ट नहीं मिलता,
होता है, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है कुछ सामान रखने के लिए, यहाँ पर दो कप होल्डर मिल जाते हैं इसके लिए, ये हैंड ब्रेक है और सीट कुछ इस तरह की है। इसके अलावा डैशबोर्ड का लुकिंग देख लीजिए किस तरह का है, ब्यूटीफुल डैशबोर्ड है, शानदार तरीके से मस्कुलर टाइप में बनाया गया है यहाँ पर। और इसके अलावा एक चीज़ और बताने वाला हूँ मैं आपको, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ पर माइक कुछ यहाँ पर दे रखा है। देखिए ये चीज़ अच्छी है कि आपकी आवाज़ जो है बहुत ही क्लियर, कॉल आप एंड करो चाहे स्टार्ट करो कॉल के लिए माइक की आवाज़ क्लियर जाने वाली है यहाँ पर। और इस तरह का, और यहाँ पर ग्लोबॉक्स देखोगे तो ग्लोबॉक्स कुछ इस तरह से मिल जाएगा, ग्लोबॉक्स कूल नहीं मिलेगा, नॉर्मल ग्लोबॉक्स है, टॉप मॉडल में कूल मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको मोबाइल रखने की जगह मिल जाती है, स्पेस मिल जाता है यहाँ पर। इसके अलावा जो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड वाला डोर है यहाँ पर नॉर्मल ब्लैक फिनिशिंग के साथ में मिलता है यहाँ पर। कुछ चीज़ें हैं कि यहाँ पर जो है फिनिशिंग देनी चाहिए थी सिल्वर कलर की या फिर गोल्डन, तो ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, ब्लैक ब्लैक बहुत सारा ब्लैक हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं। टूटर और स्पीकर सब में चारों डोर में मिल जाते हैं आपको। इसके अलावा अगर यहाँ पर बात करें अपन तो यहाँ पर वैनिटी मिरर मिल जाता है, देख लीजिए आप बिल्कुल, यहाँ पर को ड्राइवर साइड में मिल जाता है यहाँ पर, और लाइट नहीं है लेकिन टॉप मॉडल में लाइट भी मिल जाती है, और ड्राइवर साइड में आपको नॉर्मल मिलता है टिकट होल्डर के साथ में बिल्कुल। इस तरह का आपको यहाँ पर लुक दे रखा है। और बैक साइड से देखेंगे तो किस तरह से लगने वाला है ये अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। सनरूफ भी नहीं इसमें बोल दो। हाँ देखिए बैक साइड से देखिए तो फुल डैशबोर्ड कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा यहाँ पर, देख लीजिए फुल एसी का कंट्रोल जो है बहुत ही ब्यूटीफुल, और ये डैशबोर्ड के लुकिंग को जो है इनहेंस कर रहा है बिल्कुल, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यार इसकी हवा कितनी कर रखी है यार, तरह की पहले हमें पता नहीं था, इसका फैन चालू था, गर्मी ज़्यादा थी तो आवाज़ थोड़ी सी डिस्टर्बेंस करी होगी, लेकिन कोई बात नहीं, अब रिकॉर्ड हो गया। चार एसी पोर्ट मिल जाते हैं, लुकिंग देखिए डैशबोर्ड की, यहाँ पर एयरबैग मिल जाता है, यहाँ पर एक एयरबैग आपको यहाँ पर मिल जाता है, इस तरह से एयरबैग मिल जाते हैं, डैशबोर्ड कुछ लुकिंग इस तरह से देखने को मिल रही है आपको बिल्कुल, ठीक है। अब मैं चलता हूँ बैक साइड में और आपको बैक का स्पेस भी दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर ड्राइवर साइड में कोई भी हैंडल नहीं मिलता है, लेकिन को ड्राइवर साइड में आपको यहाँ पर हैंडल मिल जाता है, ये दोनों हैंडल मिल जाते हैं यहाँ पर। बैक साइड का कुछ पोर्शन इस तरह से देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया कि LXI में क्या क्या नहीं मिलेगा, LXI में ये डिस्प्ले भी नहीं मिलेगी, म्यूजिक सिस्टम भी नहीं आएगा। इसके अलावा जो LXI में ये स्टीयरिंग कंट्रोल भी नहीं आएंगे। एक खास बात और है जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बिल्कुल। हेलो, इसमें VXI में आपको सीट एडजस्टेबल मिल जाती है, हाइट एडजस्ट भी कर सकते हो आप, और इसको अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू सेट भी कर सकते हो कंफर्ट के हिसाब से। दोनों ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं जो कि LXI में नहीं मिलेगा। LXI में सिर्फ आपको सीट एडजस्टमेंट मिलेगा, हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा। तो VXI में आपको सीट एडजस्टमेंट भी मिल जाता है, इसीलिए LXI मॉडल जो है 9,50,000 रुपये का मिलता है, लेकिन VXI मॉडल 11,25,000 रुपये का मिलता है। क्यों मिलता है? इसमें तीन चार चीज़ें हैं जो चेंज है बिल्कुल। एक तो म्यूजिक सिस्टम है विद ट्यूटर और स्पीकर के साथ में, दूसरा है आपको स्टीयरिंग कंट्रोल है, तीसरा आपको मिल जाता है यहाँ पे सीट एडजस्टमेंट हाइट वाला। तो ये सारी चीजों की वजह से VXI का प्राइस बढ़ जाता है। अब मैं बैक साइड में आपको लेके चलता हूँ और बैक साइड दिखाता हूँ क्या क्या है यहाँ पर। तो पीछे की साइड बैठते हैं और मैं बताता हूँ किस तरह से आगे मैं बैठा हुआ था, सीट उसी हिसाब से एडजस्ट है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। और मैं यहाँ पर सीटिंग लेता हूँ, जैसे मैंने सीटिंग लिया तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी, ठीक है, लेग स्पेस देख लीजिए, काफ़ी अच्छा लेग स्पेस है। मैं जहाँ बैठा हुआ था वहीं की वही सीट है, मैंने आगे पीछे नहीं करी है सीट को अच्छे से, और लेग स्पेस बहुत बढ़िया। मेरी हाइट 5.5 फीट है, अगर 6 फीट वाला बंदा भी बैठता है तो बहुत अच्छा है। हेड स्पेस देखिए तो बहुत ज़्यादा है, हेड रूम भी बहुत अच्छा है यहाँ पर, काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। प्लस यहाँ पर जो आपको हेडरेस्ट भी मिल जाता है, बहुत अच्छे तरीके से हेडरेस्ट मिल जाता है, जो कि आप लगा करके आराम से सफर का मजा ले सकते हैं। यहाँ पर बोतल होल्डर मिल जाता है बैक साइड डोर के अंदर, और कंट्रोल मिल जाते हैं डोर लॉक एंड लॉक के साथ में, आपको विंडो कंट्रोल का यहाँ पर फंक्शन मिल जाता है। चारों डोर पावर है बिल्कुल यहाँ पर, और इसके अलावा बैक साइड में सीट सिंगल है, और यहाँ पर एक सनरूफ नहीं मिलता, टॉप मॉडल में सनरूफ मिलता है आपको। LXI में एक खास बात मिल जाती है आपको, यहाँ पर बैक एसी जो है रियर एसी वाला, वो LXI में भी मिल जाता है आपको, ठीक है। जो मैंने LXI में और VXI में डिफरेंस कराया वो आपको, ये VXI गाड़ी है, जो भी कुछ दिख रहा है यहाँ पर VXI के अंदर दिख रहा है आपको यहाँ पर। इसके अलावा देखिए ये डोर है बिल्कुल बैक साइड का, यहाँ पर बोतल होल्डर डोर अनलॉक का यहाँ पर मिल जाता है, विंडो कंट्रोल का यहाँ पर मिल जाता है आपको। कुछ इस तरह की लुकिंग है जो कि आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो है बैक साइड चलते हैं अपन और देखते हैं बूट के अंदर क्या है। बैक साइड आते हैं बूट स्पेस में, बूट की बात करेंगे उससे पहले देख लेते हैं, स्मार्ट हाइब्रिड का ऑप्शन है, यही चीज़ है जो कि गाड़ी की वैल्यू भी बढ़ाता है और आपको माइलेज भी बहुत बढ़िया देता है, पिकअप भी अच्छा कंट्रोल करता है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ, देखिए डिफोगर मिला हुआ था लेकिन वाइपर नहीं मिलेगा, टॉप मॉडल में वाइपर है, VXI में नहीं है, LXI में नहीं है। तो बूट की बात करें यहाँ पर, तो आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो है व्हील कैप रखे हुए हैं इस गाड़ी के, तो वो अपन छेड़ नहीं रहे हैं बिल्कुल, यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस तरह का है। पार्सल ट्रे VXI में भी नहीं मिलेगी, LXI में भी नहीं मिलेगी, ये दोनों कमी है, ये टॉप मॉडल में मिलेगी आपको। और कुछ इस तरह का स्पेस है यहाँ पर जो है। एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, टॉप मॉडल में यहाँ पर जो है लाइट मिल जाती है कि यहाँ पर, और यहाँ पर जो है बूट में कोई भी सामान लटकाने के लिए जगह मिल जाती है। एक ये छोटा सा स्पेस एक्स्ट्रा मिलता है ब्रेजा के अंदर, ये बहुत अच्छी बात है। नीचे अगर चलें तो देखिए इसका बूट के नीचे की साइड देख लेते हैं, स्टेपनी है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा जो है आपको टूल रखने के लिए एक सीक्रेट स्पेस भी मिल जाता है। सीक्रेट क्या है, एक सेपरेट स्पेस मिलता है जहाँ पर टूल्स इजीली हो जाता है और वो आवाज़ नहीं करते हैं गड्ढे वगैरह में, ठीक है। ये स्टेपनी का एक्स्ट्रा टायर है जो कि नॉर्मली आता है हमेशा, चाहे एलोई लोगे तो भी नॉर्मली मिलेगा। तो इस तरह से 328 लीटर का बूट स्पेस है, जो कि बूट जो है ब्रेजा का बहुत ही ज़बरदस्त है। कोई भी सामान ले जाते हैं तो आप 328 के अलावा ऊपर तक भी भरने में बहुत आसानी रहती है, अगर पार्सल ट्रेन नहीं होती है तो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो है
चाइल्ड के लिए सेफ्टी बेल्ट जो लगा सकते हैं, चाइल्ड की चाइल्ड सीट जो लगाते हैं वो इसके लिए लग जाती है, टकन हो जाती है यहाँ पर इजीली तरीके से, ठीक है। तो ये ब्रेजा VXI मॉडल था जो कि आपको देखने को मिला है यहाँ पर। तो गाइज ये वाली गाड़ी जो थी VXI मॉडल था ब्रेजा का न्यू 2022 वाली की, जो हाल ही में 1 तारीख को जयपुर में लॉन्च हुई थी और 27, 28, 29 को जो है ऑल इंडिया लॉन्च हुई थी इसका। तो ये जो कार है इसका VXI मॉडल मैंने दिखाने की कोशिश करी है। LXI में और VXI में मैंने डिफरेंट बताया। LXI VXI में डिफरेंट जो था, LXI में जो है आपको यहाँ पर मल्टीमीडिया लेस स्टीयरिंग नहीं मिलती है, म्यूजिक सिस्टम और स्टूडियो नहीं मिलता है, इसके अलावा आपको सीट हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलता है, ठीक है, और व्हील कैप नहीं मिलते हैं। इसके अलावा VXI में आपको सारी चीज़ मैंने दिखाने वाली है, VXI सब कुछ और है, लेकिन ZXI इसके टॉप मॉडल में जाओगे तो सनरूफ मिलेगा आपको, और इसके अलावा जो है कुछ एक दो फीचर्स और मिल जाते हैं, कैमरा 360 डिग्री और सनरूफ मिल जाता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो ये वाली गाड़ी का 11,25,000 रुपये प्राइस है, LXI का यहाँ पर जो है आपको 9,50,000-9,50,000 का है। मतलब दोनों गाड़ी के बीच में 1.75 का फर्क है, लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि 1.75 वैल्यू शायद VXI में नहीं है, 9.5 लाख की LXI लगा करके उसके अंदर सामान लगवा लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन सीट हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा और म्यूजिक सिस्टम भी नहीं मिलेगा, तो वो थोड़ा सा लॉस है, इसीलिए लोग VXI लेते हैं। तो VXI लेना हो तो 11,25,000, LXI लेना हो तो 9.5 लाख। नीचे नंबर दे रखे हैं अगर आपको कंसल्ट करना हो, जयपुर से गाड़ी लेनी हो। नेक्सा के सबसे बड़े शोरूम में आए हुए हैं, यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको नेक्सा का सबसे बड़ा है, बैक साइड खड़े हैं हम इसलिए आपको नाम नहीं दिख रहा है, ये सबसे बड़ी बिल्डिंग है, यहाँ पर नेक्सा की गाड़ियाँ खड़ी है सारी की सारी, बिल्कुल आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से अगर गाड़ी लेनी हो जयपुर में तो नीचे जो नंबर दे रखे हैं वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं नई गाड़ी के साथ में, नई स्टोरी के साथ में। थैंक यू फ्रेंड्स।